पट्टीदार नगर सेवक इनकी, तो अलावलकर साहब को मैं रिक्वेस्ट करूंगा वो सबूत भी हमारे पास दे देवे ताकि ये जो आंदोलन है उसको और भी तेज किया जाएगा। और ये आंदोलन जो अभी बंबई में कर रहे हैं, ये नमस्कार, स्वागत है आपका दैनिक कैप्टन न्यूज में। मैं उबास कर लिया, हम मौजूद है इस वक्त आजाद मैदान में, और आजाद मैदान में यहाँ पर बहुजन मुक्ति पार्टी द्वारा आंदोलन किया जा रहा है। और हमारे साथ जो मधुकर जाधव जी है, जो मुंबई अध्यक्ष है बहुजन मुक्ति पार्टी का, सफाई कर्मचारियों के हक के लिए यहाँ पर लड़ाई किया जा रहा है, तो उस विषय में ज्यादा जानकारी हमें देंगे जो मधुकर जाधव जी है मुंबई अध्यक्ष, उससे हम जानेंगे। जाधव जी, स्वागत है आपका दैनिक कैप्चर न्यूज में। जो आज का जो मुद्दा है, आपके पूरे सफाई कर्मचारी जैसे हम देख रहे हैं कि सारे यहाँ पर जमा हुए, और जो घर का जो मुद्दा है उसको लेकर आप यहाँ पर धरना आंदोलन जो चालू है आपका, क्या कहना चाहेंगे? धन्यवाद। पहले तो मैं आपका टीवी चैनल जो है, बहुत सारे टीवी चैनल तो मनुवादी, जो जातिवादी, गांधीवादी और ब्राह्मणवादी है, वो तो आते ही नहीं हमारे आंदोलन की खबरें। आप लोगों ने यहाँ आया, इसके लिए आप लोगों का मैं धन्यवाद पहले करूँगा। आज का ये जो आंदोलन है, यह आंदोलन हम बहुजन मुक्ति पार्टी की तरफ से ले रहे हैं। यह आंदोलन सफाई कामगार जो है, जो महापालिका में सेवा देते, वो लगभग 70 साल हुए हैं, और उनको जो उनका जो घर है मालिकाना हक का, वो अभी तक नहीं मिला है। इसके लिए ये आंदोलन हम लोग कर रहे हैं, जबकि 1946 में ये एग्रीमेंट किया हुआ है कि जो सफाई करने वाले जो मुंबई में लाए गए लोग, उन लोगों को ये आश्वासन दिया था कि प्रशासन उनकी रहने की व्यवस्था करेगा। यहाँ तो रहने की व्यवस्था तो छोड़ो, ये रहने की व्यवस्था के अंदर आप लोगों को मालूम नहीं है, हम उस बस्ती में रहते हैं इसके लिए हमको लोगों को मालूम है कि वहाँ जो पानी भी है ना, 15 या 20 मिनट आता है, जबकि सफाई कामगारों के लिए सबसे बड़ा जरूरत पानी होती है, क्योंकि वो ये 46 बस्ती है पूरे बॉम्बे में, और उनके लिए जो पानी है 15 से 20 मिनट आता है। वो 15 से 20 मिनट में वो बाल्टी भरेगा, कमरेल भरेगा, क्या भरेगा, और वो जो गंदा आता आदमी, उसको नहाने को चाहिए, धोने के लिए चाहिए, तो उनके लिए कम से कम 2 घंटा तो पानी चाहिए, तो उनके बस्ती में 2 घंटा पानी नहीं होता है। और जो साफ सफाई का काम नहीं करते, उनके यहाँ 24-24 घंटा में पानी रहता है। तो ये जो डिस्क्रिमिनेशन है, इस डिस्क्रिमिनेशन के विरोध में भी ये मोर्चा हम लोग खोल लिए। जाधव जी, जैसे प्रशासन से आपसे, आप लोगों के इस विषय में कुछ चर्चा हुई है, आपने पत्र व्यवहार किया है? 15 सितंबर से हम लोगों ने मुख्यमंत्री जी को लेटर लिखा, हमने नगर विकास मंत्रालय को लेटर लिखा, हमने सामाजिक जो मंत्रालय है उसको लेटर लिखा, हमने मुंबई के महापालिका आयुक्त को लेटर लिखा, हमने मुंबई के जिलाधिकारी को लेटर लिखा, और हमने 24 वार्ड के जो सहायक आयुक्त है उनको सबको लेटर दिया, और उन्होंने हमने उनको इंटीमेशन दिया और ये वार्न किया कि अगर 1 महीने के अंदर आप लोगों ने जो सफाई कामगार रहते हैं उनका घर नाम पे करना है, या पगड़ी सिस्टम में, या मालिकाना हक में, या जो टैक्स वो जो भी लगाते हैं वैसे करके आप लोग को देना है, जैसे आप जो झोपड़पट्टी वाले उनको एसआरए के अंदर घर दे रहे, माताड़ी कामगार को घर दे रहे, पुलिस वालों को घर दे रहे, तो भाड़ा में दे रहे, बीआईटी में दे रहे, तो सबको दे रहे, तो ये तो आपका स्टाफ है। सफाई कर्मचारी बोले तो जो मुंबई के लिए मतलब सफाई में सबसे ये है, तो उनको उनका हक मानना ये गलत है। सफाई कामगार एक सैनिक है, ये भी आप लोगों को शायद मालूम नहीं, जैसे देश के सैनिक है, आर्मी है, नेवी है, एयरफोर्स है, ये देश का सिक्योरिटी करता है, सुरक्षिता, और सफाई कामगार जो है पूरे समाज की सुरक्षा करता है। अगर ये लोग अगर महीना भर काम नहीं करेंगे ना, पूरे बम्बई में है ना, पूरा इतना गंदगी फैलेगा और महामारी आएगी, कोरोना से भयानक आ सकती है। नगर विकास भी सेना के पास है और मुख्यमंत्री भी शिवसेना का है, तो शिवसेना जो कार्यकर्ताओं के लिए ना जाना जाता है, क्यों ऐसे दुर्लक्ष कर रहे हैं? ये केवल शिवसेना ही दुर्लक्ष नहीं कर रहे महाविकास आघाड़ी, क्योंकि 86 में तो कांग्रेस और राष्ट्रवादी की भी सरकार थी, इन्होंने कहा था कि उनको घर देंगे, लेकिन उन्होंने घर नहीं दिया नाम पे करके, अभी ये महाविकास आघाड़ी की है। तो ये जो अपोजिशन और रूलिंग पार्टी है, महाविकास आघाड़ी हो चाहे एनडीए जो भाजपा हो, ये दोनों भी एक है, जो हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन का, भेदभाव का ये कर रहे हैं, बर्ताव कर रहे हैं। तो आने वाले समय में हो सकता है हम लोग जो है अभी आगे की रणनीति एट्रोसिटी एक्ट की तरफ जाने वाली है, वो मैं सब डिस्क्लोज नहीं करूंगा, लेकिन आने वाले समय में हमारा ये आंदोलन है,
ये और तेज हो जाएगा। और आपने शायद आपको मालूम नहीं होगा, 5,000 बोनस के लिए हमारे लोग लाखों में आते थे, 5,000 बोनस के लिए लाखों में आते थे। अभी ये 50 से 100 लाख का उनका घर है, तो वो लाखों में क्या, लाखों में क्या, पूरे ताकत से वो लोग आएंगे। और अगर वो लाखों में आएंगे तो ये जो महापालिका जो ऑफिस है ना, उसमें आंदोलन वहाँ होगा और ये जो बातें है उनसे मनवा लेगी। धन्यवाद जी। बिल्कुल, जैसे जादव जी ने पूरे विस्तार में बताया कि बहुजन मुक्ति पार्टी जो है किस तरह से सफाई कर्मचारियों के हक के लिए लड़ाई लड़ रहे। दिनेश के साथ मैं भास्कर लिंगम, दैनिक कैप्चर न्यूज़।